हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीके कॉम्पिटिशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी फाइनल ईयर्स फिजिक्स के पेपर फर्स्ट की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का पेपर आता है, क्या पैटर्न रहता है, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और उनका डिवाइडेशन किस प्रकार होता है। तो हम जानेंगे आज फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, हर यूनिट के कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो शॉर्ट में आते हैं, लॉन्ग में आते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर से यह तो आपको देखिए, हम सेक्शन जो पेपर्स है वो तीन खंडों में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। हिंदी में कहें तो खंड आ, खंड वा और खंड सा। आपको जो खंड आ या सेक्शन ए है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, खंड जो बा है या सेक्शन बी है उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, और खंड सी है उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। खंड बी और सी में क्या रहेगा, हर यूनिट से दो दो क्वेश्चन आएंगे, दो शॉर्ट क्वेश्चन, दो लॉन्ग क्वेश्चन, उनमें से आपको एक एक करना पड़ेगा। जो फिजिक्स है उसमें सिर्फ दो पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो आज हम पेपर फर्स्ट की चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके लिए वो 40 नंबर्स हैं और आपको जो टाइम अलॉट हुआ है वो 3 आवर्स का। तो बिना समय देरी किए हुए डायरेक्ट सेक्शन ए पर चलते हैं। तो सेक्शन ए में क्या मिलेगा, सेक्शन ए में आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा, 5 क्वेश्चन आएंगे आपको 5 नंबर के। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक फोटोन की ऊर्जा होती है, कितनी ऊर्जा होती है आपको बताना है, एच न्यू या एच अपॉन न्यू, न्यू अपॉन एच और या फिर एच अपॉन लेमडा। तो आपको बताना है, ये जो साइन है इसको न्यू कहते हैं, ठीक है। तो या ये हो गया द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार एक मुक्त कण न्यू इक्वल टू जीरो के लिए है। आपको बताना है क्वांटम यांत्रिकी के लिए जो मुक्त कण है न्यू इक्वल टू जीरो के लिए क्या है, ऊर्जा स्तर विविक्त व समदूरस्थ होते हैं। ये दर्शाता है कि ऊर्जा स्तर सतत होते हैं या ऊर्जा स्तर विविक्त होते हैं किंतु समदूरस्थ होते हैं, या ऊर्जा स्तर सदैव शून्य होते हैं, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड है ऑब्जेक्टिव का, वो है स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता अधिकतम होगी। आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम जो लाइन है वो मैक्सिमम कब होगी, जब डेल एल और डेल जे का मान क्या होगा, -1 0 +1 0 +1 -1 -1 -1। तो आपको इसके बारे में बताना है। अब क्वेश्चन फोर देखते हैं, क्वेश्चन फोर में आपको बताना है किसी अणु का इलेक्ट्रॉनिक वर्णक्रम पाया जाता है, किसमें, दृश्य क्षेत्र में, पार्श्वरक्त क्षेत्र में, माइक्रोवेव क्षेत्र में या दूरावरक्त क्षेत्र में। तो आपको बताना है अणु का इलेक्ट्रॉनिक वर्णक्रम कहाँ पाया जाता है। और फिफ्थ और अंतिम ऑब्जेक्टिव है वह क्या है देखते हैं। अंतिम ऑब्जेक्टिव है स्थायित्व संख्याएं हैं, 2 8 10 20 30, 2 6 8 14, 2 8 20 28 50 82 या 10 20 40 80, क्या है स्थायित्व संख्याएं, इसके बारे में बताना है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर मिलेंगे, सभी 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। देखो इसमें लिखा क्या है, अनिवार्य है, इसको ध्यान रखिएगा। कॉलेज में कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, कैसे भी कैसे करके उसको सॉल्व करना है। जैसे आपसे बकरी के बारे में पूछा गया, जब नहीं बन रहा, अगर बन रहा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन जब टोटली कुछ मालूम ही नहीं है, जैसे आपसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपसे बकरी के बारे में पूछा गया है, आप बकरी के बारे में कुछ जानते ही नहीं तो क्या बता देंगे, तो भी आपको छोड़कर नहीं आना क्वेश्चन। आपको क्या करना है, बकरी के लिए एक रस्सी लाओ, रस्सी बकरी के गले में बांधो, उस रस्सी को पेड़ से बांधो, फिर पेड़ के बारे में लिखो। अगर पेड़ के बारे में नहीं लिख पा रहे हो तो पेड़ में जो फल हो रहे हैं उसके बारे में लिखो, लेकिन लिख के आना है क्योंकि कॉलेज में लिखने पर नंबर मिलते हैं। तो थोड़ी अपनी प्रैक्टिस कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए कि उसी क्वेश्चन के अनुरूप लिखें, लेकिन जब कुछ नहीं हो रहा भगवान भरे उसे हैं तो भी थोड़ा बहुत तो लिखिए। तो शॉर्ट आंसर देखते हैं, टाइप क्वेश्चन क्या क्या है।
तो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 5 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। तो देखते हैं, यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट का जो क्वेश्चन है वो क्या है, कण तरंग द्वैतता को समझाइए, एक्सप्लेन पार्टिकल वेव ड्यूलिटी, कण तरंग द्वैतता। अथवा देखते हैं, अथवा में क्वेश्चन आया है कृष्ण पिंड विकिरण के ऊर्जा वितरण को समझाइए, आपको बताना है ब्लैक बॉडी रिएक्शन के बारे, रेडिएशन के बारे में। ये यूनिट फर्स्ट है। यूनिट सेकंड देखते हैं, यूनिट सेकंड में आपको आया है एक विमीय विभव सोपान को समझाइए, आपको बताना है वन डायमेंशियल पोटेंशियल स्टेप, या फिर अथवा बताना है आपको परावर्तकता तथा पारगम्यता को समझाइए, इसके बारे में बताइए आप। यूनिट थर्ड देखते हैं, यूनिट थर्ड में है मुख्य क्वांटम संख्या से एन से क्या अर्थ है, क्या इसका मान्य शून्य संभव है। तो आपको 2 टाइप में आंसर देना है, आपको पहले बताना है कि मुख्य क्वांटम संख्या एन क्या है, फिर आपको बताना है क्या एन इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये यूनिट थर्ड का 4th क्वेश्चन हो गया। इसका अथवा देखते हैं, अथवा है एल एस युग्मन से क्या तात्पर्य है। आप पाएंगे बीएससी फाइनल ईयर में कि जो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन है वो फिजिक्स में भी है, जैसे एल एस युग्मन केमिस्ट्री में भी था और इसमें भी है। यूनिट फोर्थ देखिए, यूनिट फोर्थ में आपको स्टोक व प्रति स्टोक रेखाएं बतानी है, और इसके अलावा आपको बताना है फ्रैंक कोंडोन सिद्धांत बताना है, स्टोक प्रति स्टोक रेखाओं के बारे में बताइए और फ्रैंक कोंडोन सिद्धांत के बारे में बताइए। यूनिट फिफ्थ देखते हैं, यूनिट फिफ्थ है बंधन ऊर्जा को समझाना है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है, और इसका जो अथवा है वह क्या है, इसका अथवा है गाइगर नटल को समझाइए। तो ये हो गया। अब सेक्शन सी देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे 5-5 नंबर की, तो एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में अच्छे नंबर लिए हुए। तो 5 क्वेश्चन मिलेंगे हर यूनिट से, देखते हैं कौन कौन जो लॉन्ग टर्म आंसर है उनके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है तरंग वेव व समूह वेग को की परिभाषा देकर उनके सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, डिफाइन वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी एंड ड्राइव देयर एक्सप्रेशन। तो ये है आपको तरंग वेग व समूह वेग के बारे में बताना है, या इसके अथवा में क्या है, अथवा में है तरंग फलन की अपभ्रष्टता से आप क्या समझते हैं, किसी तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण समझाइए, इसके बारे में बताना है आपको। यूनिट सेकंड देखते हैं, यूनिट सेकंड में है एक विमीय सरल आवर्त दोलित्र के लिए श्रोडिंजर समीकरण लिखिए तथा इसके ऊर्जा आइगन मान एवं आइगन फलन प्राप्त कीजिए, इसके बारे में बताना है आपको। राइट डाउन श्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड फाइन इट्स एनर्जी आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन। इसके अथवा में क्या है, इसके अथवा में है आपको बताना है सुरंगन प्रभाव के आधार पर अल्फा कण क्षय की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन अल्फा डीके ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूनलिंग इफेक्ट। ये यूनिट सेकंड हो गई। अब यूनिट थर्ड पर चलते हैं। यूनिट थर्ड में क्या है, यूनिट थर्ड का क्वेश्चन है स्टर्न तथा गर्लिक के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए तथा प्राप्त परिणाम की विवेचना कीजिए। ये गोला लगा, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये इम्पोर्टेंट है। ये जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मैंने जो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे तो वो ध्यान रखने के लिए कभी गोला या टिक लगा देते थे, नहीं तो आप इस उसमें आ जाए डाउट में। तो आपको स्टर्न तथा गर्लिक के प्रयोग का सचित्र वर्णन करना है, प्राप्त जो परिणाम होगा उसकी विवेचना करनी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 1.5 से 2 पेज भरना चाहिए। अथवा क्या है, मोशली का नियम व्युत्पन्न कीजिए तथा इसके प्रयोग लिखिए, आपको मोशली लो बताना है। फोर्थ देखते हैं क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है कि रमन प्रभाव क्या है, इसकी चिरसम्मत व्याख्या कीजिए, आपको बताना व्हाट इज रमन इफेक्ट और गिव इट्स क्लासिकल थ्योरी।
या फिर इसका अथवा है कि एक द्विपरमाणविक अणु के शुद्ध कांपनिक वर्णक्रम की विवेचना कीजिए तथा दर्शाइए कि उसकी ऊर्जा अवस्थाएं क्वांटीकृत व समदूरस्थ होती हैं। इसके बारे में बताना है। यूनिट फिफ्थ देखते हैं। अब ये पहुंच गए हम लास्ट यूनिट पर। लास्ट यूनिट के जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आनुपातिक गणक की संरचना व कार्यविधि समझाइए, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ प्रोपोर्शनल काउंटर। और इसके जो अथवा में है, सिंपल सा क्वेश्चन, नाप की विखंडन क्या है, द्रव बूंद मॉडल के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन थे। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हर यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, किसके अराउंड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कॉलेजों की जो प्रवृत्ति है वो इस प्रकार की है कि जहाँ से क्वेश्चन देते हैं वो उसी को रिपीटेशन करते रहते हैं। तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी था। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। कोई समस्या हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो या कोई भी अदर क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।